जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः चैनल और एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए किया था अप्लाई और दे चुके हैं अपना अपना पीएचडी का इंटरव्यू। उनके लिए आई है सूचना। याद रखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 20 और 21 के सेशन में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और पीएचडी का इंटरव्यू यदि दे चुके हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उनके लिए इस वीडियो में कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनका आ चुका है पीएचडी का रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट की है 4 कैटेगरी, चारों कैटेगरी की बात करेंगे, किसका रिजल्ट आया है किसका नहीं आया है इसकी भी बात करेंगे, और कुछ पार्ट टाइम पीएचडी हैं कुछ फुल टाइम पीएचडी हैं उसकी भी बात करेंगे, और कब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कब तक आपको फीस सबमिट करनी है, किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। याद रखिएगा, 5 नहीं 10 नहीं 15 बल्कि उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट का आया है रिजल्ट, तो लगभग 15 मिनट तो लगेंगे ही इस वीडियो को बनाने में भी, और आपको भी देने होंगे अपने 15 मिनट। वीडियो देखने के बाद यदि मन में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई द्वंद हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो दी गई सूचना को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूचना देखने के बाद डायरेक्ट विजिट कीजिएगा जामिया की वेबसाइट का और एडमिशन के प्रोसेस जो भी है उसको फुलफिल कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फीस सबमिट के वक्त सबमिट करने होंगे जो कि मैंडेटरी हैं, और यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपसे अंडरटेकिंग मांगेगी ऑन द स्पॉट, और 3 से 4 महीने का मिलेगा आपको समय अपने अधूरे या आज सबमिट डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं नोटिफिकेशन और एक एक करके बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की कि किस किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। पहली कैटेगरी समझ लीजिएगा जिसका रिजल्ट आया है उसकी जानकारी दूंगा। दूसरी कैटेगरी है कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में आ चुका था और उनकी एडमिशन की डेट खत्म हो गई है, 1 सितंबर डेट थी, इस बात का याद रखिएगा। पहली कैटेगरी जो मैं आपको अभी बताऊंगा, दूसरी कैटेगरी वह है बच्चों की है जिनका रिजल्ट आ चुका है 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में और 1 सितंबर लास्ट डेट थी। यदि आपने एडमिशन नहीं लिया है तो वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी उस डिपार्टमेंट की है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। याद रखिएगा, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है एक कैटेगरी ये है, और जिसका रिजल्ट आ चुका है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, और एक रिजल्ट वो है जिसकी एडमिशन की डेट खत्म हो चुकी है। और चौथी कैटेगरी वह है कि कुछ डिपार्टमेंट में कुछ सीटें पार्ट टाइम बच्चों के लिए भी थी, उनका भी रिजल्ट आ गया है। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है सबकी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। और कोई आपके मन में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। वेस्ट एशियन स्टडीज जिसका भी ये सब्जेक्ट है वे बच्चे ध्यान दें, 10 सितंबर से पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट में जाइएगा ऑफलाइन माध्यम से। डिपार्टमेंट में जाइए ऑफलाइन माध्यम से, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, और इस डिपार्टमेंट में 6 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन वेस्ट एशियन स्टडीज़ वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है जिसकी हम बात करेंगे वह है सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स 10 सितंबर लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की इस डिपार्टमेंट के बच्चों की, और इस डिपार्टमेंट में हुआ है 4 बच्चों का सिलेक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस। ठीक है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, 10 सितंबर इसकी भी लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। अधिकांश डिपार्टमेंट की डेट जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, उनकी डेट 7 से लेकर 10 सितंबर के बीच में है लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी और फीस सबमिट करने की भी। और जिनका रिजल्ट पहले आ चुका था 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में, उनकी डेट थी 1 सितंबर, तो उनका एडमिशन खत्म हो गया, और जो वेटिंग लिस्ट में है दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें उनको एडमिशन मिल जाएगा, और दूसरी वेटिंग लिस्ट जो आएगी वह लगभग 7 से लेकर 10 सितंबर के बाद आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले डिपार्टमेंट पे हम चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट है मेरी स्क्रीन पर जिसमें एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, केवल एक बच्चे का, हो सकता है एक ही सीट रही हो। डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च। फिर से सुन लीजिए, डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज इन पॉलिसी रिसर्च 10 सितंबर तक इस विद्यार्थी को, इनका तो नाम बोल ही देते हैं क्योंकि एक विद्यार्थी खुशनसीब है, इनका नाम है ऋषि कुमार। ठीक, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद उन सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगली लिस्ट हो ये डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मेरी स्क्रीन पर, ये है नैनो टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी संख्या है इसमें 3।
तीन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस डिपार्टमेंट में और तीन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में भी है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं याद रखिएगा, यदि वे सही समय पर एडमिशन नहीं लेंगे तो वेटिंग लिस्ट में जो तीन बच्चों का नाम है उनको मौका मिल जाएगा एडमिशन के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है जिसकी हम बात करेंगे वह है लैटिन अमेरिकन, ठीक है, सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज। इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, 10 सितंबर इसकी भी लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। तीन बच्चों को हुआ है सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट के इस कोर्स में। अगला जो डिपार्टमेंट है मेरी स्क्रीन पर जिसको मैं देख पा रहा हूँ वह है, ये है डिपार्टमेंट फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। बच्चे थोड़ा ध्यान दें इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बच्चे 6 सितंबर लास्ट डेट है आप लोगों की एडमिशन लेने की। कितना? 6 सितंबर 2021 लास्ट डेट है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बच्चों की, जिनका सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए। और पीएचडी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 10। सब बच्चों का नाम भी है, रिसर्च गाइड का नाम भी है, आपका टॉपिक भी है। और इसी 10 बच्चों की लिस्ट में दो बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, यानी कि पार्ट टाइम स्कॉलर होंगे, या फिर ऐसे ये दो कैंडिडेट हो सकता है जॉब में हो या मैरिड हो या कोई एजिड हो, वाला क्राइटेरिया हो सकता है, वो इनको मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें 8 बच्चे रेगुलर और 2 बच्चे पार्ट टाइम पीएचडी के हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पीएचडी जामिया में। और 6 सितंबर लास्ट डेट है आप लोगों की फीस को सबमिट करने की, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट जो है जिसकी हम बात करेंगे वह डिपार्टमेंट है आपका, अरे यार बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इस डिपार्टमेंट की, ज़्यादा बच्चे हैं इसके अंदर ये। हाँ थोड़ा भैया ऊपर नीचे अगर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मेरा गला पकड़ मारेंगे, ठीक है। इसकी वजह से डेट खत्म हो चुकी है एडमिशन लेने की डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 1 सितंबर लास्ट थी, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई आपको चिंता की करने की जरूरत नहीं है। एक है इसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया है 10 सितंबर लास्ट डेट है आप लोगों का एडमिशन लेने की। और 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और अगला जो डिपार्टमेंट है वह है कंप्यूटर का, जिसने भी कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया है तो कंप्यूटर के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में उनको जो एडमिशन लेना है या फीस को सबमिट करनी है, वैसे रिजल्ट तो पहले ही आया था और आज इसकी लास्ट डेट है आप लोगों को एडमिशन लेने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर आज है और आज यार वीडियो भी देख रहे हैं क्योंकि मुझे भी भैया सुबह ही नोटिस मिला, जानकारी मिली, तो 2 सितंबर लास्ट डेट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, और सभी बच्चे अपना नाम लिस्ट में ज़रूर देख लेंगे इस डिपार्टमेंट के भी। और इस डिपार्टमेंट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या है 16 और 4 बच्चे वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 16 में से कुछ बच्चे इसमें पार्ट टाइम वाले भी हैं और कुछ इसमें रेगुलर वाले भी हैं, और 2-4 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं इस डिपार्टमेंट के, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है एजुकेशन, यानी कि इसमें बोलते हैं पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉट एजुकेशन, कंप्लीट नेम इज टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 31 अगस्त को आया है रिजल्ट, 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए फीस सबमिट करने की, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें बच्चे। और लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर भी, ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वह देख लीजिएगा अपने नाम को, कोर्स को और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को। और इसके अंदर भी जो ये लिस्ट आई है इसमें कोई वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट तो हर किसी की नहीं देता है, लेकिन जिसका दिया है तो बच्चे खासकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है एजुकेशन, अब आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे उनकी संख्या है 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसके अंदर। और डिपार्टमेंट एजुकेशनल स्टडीज़, जो पहले बताया था मैंने आपको वह डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशनल स्टडीज़ नहीं था, उसका नाम था डिपार्टमेंट फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें जो मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर ये जो डिपार्टमेंट है ये है एजुकेशनल स्टडीज़, 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की। और फिर से मैं रिपीट कर दूँ, सभी विभाग के बच्चों का एडमिशन जामिया में जाकर ही लेना है, ऑफलाइन माध्यम से लेना है, डिपार्टमेंट जाना है, डॉक्यूमेंट भी ऑफलाइन ही सबमिट होंगे, फॉर्म भी ऑफलाइन सबमिट होगा, फीस हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट से, चालान से या ऑनलाइन सबमिट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन नहीं है, फीस का प्रोसेस एडमिट का सारा प्रोसेस ऑफलाइन है, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जाना होगा, इस बात को कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए या कहीं स्टैम्प पेपर पर स्टैम्प करके छाप लीजिए, ये आपको तय करना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे अब विशेष रूप से ध्यान दें, इनको 10 सितंबर तक फीस को सबमिट करनी है। और जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 12, 3-4 डिपार्टमेंट और बचे हैं, उसके बाद कुछ जरूरी बातें भी आपसे करनी है, यदि आपके पास समय है तो सुन लीजिएगा, नहीं समय है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ना ही एडमिशन है, मैं तो कहीं और अभी अध्ययनरत हूँ। ये अगला डिपार्टमेंट है जो छोटा छोटा लिखा है, नाम क्या है, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस, ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस में है और फैकल्टी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस की है। इस डिपार्टमेंट के बच्चों की लिस्ट दे दी गई है जिनकी संख्या है मेरी स्क्रीन पर 16 बच्चे हैं। इसमें कोई डेट नहीं दी है कि कब तक ये बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया था इसका भी, तो ये बच्चे डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि क्योंकि 24 अगस्त को रिजल्ट आया था, हो सकता था कि आपकी भी 2 सितंबर या 6 सितंबर या 10 सितंबर लास्ट डेट हो। मुझे कन्फर्म नहीं है, इस डिपार्टमेंट के बच्चे खासकर बायो साइंस के बच्चे ये अपने अपने डीन से और फैकल्टी से ज़रूर कन्फर्म कर लेंगे। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चे भी आप विशेष रूप से ध्यान दें, जिनका रिजल्ट आया है मेरी स्क्रीन पर, मैं इनको देख पा रहा हूँ, उनकी संख्या अच्छी खासी है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, हाँ 17 अगस्त को रिजल्ट आया है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 35 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। 7 सितंबर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चों की लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, फीस को सबमिट करने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जिनका बच्चों का हुआ है सिलेक्शन ऑफलाइन माध्यम से आपको जाना है डिपार्टमेंट में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, 7 सितंबर से पहले वेटिंग लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया है उर्दू डिपार्टमेंट के अंतर्गत, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतिहास डिपार्टमेंट के बच्चे भी विशेष रूप से ध्यान दें, ये पूरा नाम क्या लिखा है डिपार्टमेंट का, लिखा है हाँ ये भी देख लेते हैं, जिसके अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या है 9। ठीक, सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या है 9। हिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, और थोड़ी उलझाने वाली लिस्ट आई है, उसको थोड़ा समझा देता हूं आपको, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। वेटिंग लिस्ट में इसमें 5 बच्चे हैं मिडिवल हिस्ट्री के। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या है 9, उंगली 4 है लेकिन 9 समझिएगा, 9 बच्चे हुए हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, लेकिन 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जिन्होंने मेडिवल को चूज किया था, याद रखिएगा इस बात का। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में भी वेटिंग लिस्ट में 8 बच्चे और हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का चयन किया था, मॉडर्न हिस्ट्री को चूज किया था, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 8 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, मिडिवल हिस्ट्री में 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम है कि ये मॉडर्न के हैं या मिडिवल के हैं, लेकिन सिलेक्ट हुए कैंडिडेट की संख्या 9 है। और लास्ट डेट नोटिफिकेशन में मुझे तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हाँ दिख गई 7 सितंबर लास्ट डेट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की जिनका हुआ है सिलेक्शन पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन माध्यम से आपको जाना है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कल्चरल फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंग्वेज की बिल्डिंग है, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट डिपार्टमेंट जिसका मैं रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री से ही संबंधित है और थोड़ा कल्चर से संबंधित है, जिसमें सिलेक्ट हुए हैं 9 बच्चे और कोई भी बच्चा वेटिंग लिस्ट में नहीं है। 10 सितंबर लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की इस डिपार्टमेंट के बच्चों की, और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। 10 सितंबर लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 सितंबर के साथ साथ लास्ट डेट है, इसमें 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 10 सितंबर लास्ट डेट है, वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो मैंने इससे पहले आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री और हिस्ट्री कल्चर में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए अलग अलग फाइल के पीडीएफ फाइल के लिंक वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा आपको जहमत करनी पड़ेगी, आपको डिस्क्रिप्शन खोल के लिंक को खोजना होगा, उसको ओपन करना होगा, पीडीएफ फाइल का लिंक है, और जब जाएंगे एडमिशन लेने के लिए आपको जरूरी बातों का ध्यान रख लीजिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी लेकर जाएंगे ओरिजिनल लेकर जाइएगा, और यदि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और जिसका रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि मैं एक पेज और अटैच कर दूंगा पीडीएफ में कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त सबमिट करने हैं, लेकर जाने हैं, उसकी पूरी लिस्ट को देख लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं है अंडरटेकिंग भर के आपको देना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे चाहे जामिया कहे या ना कहे, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से दिमाग लगाते हुए सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। और यदि ऑन द स्पॉट आपसे रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करने को कहा जाता है उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके लगाइएगा, और जो आपका रिजल्ट आया है ये प्रिंट आउट फॉर्म में इसको भी सेल्फ अटेस्ट करके लगाइएगा, अपना एक आईडी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, 4 से 8 अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटो साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका सिलेक्शन एग्जामटेड कैटेगरी के आधार पर हुआ है तो एग्जामटेड कैटेगरी का जो भी आपका नेट का, जेआरएफ का, आईसीएचआर का, आईसीपीआर का, आईसीएमआर का, आईसीएआर का, आईसीसीआर का जो भी सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटोकॉपी, और हाँ जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे सबकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर जरूर जाइएगा, और यदि रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है तो उसकी 4 कॉपी लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाइएगा, भारत सरकार का पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी या लाइसेंस,
या राशन कार्ड मत लेकर जाइएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मोबाइल का सिम का वो भी वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और अपना एक एड्रेस प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहाँ से आपने अपना लास्ट कोई कोर्स या डिग्री किया है, कभी वहाँ का कोई आई कार्ड, कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको देने थे, 15 मिनट का आपसे वादा किया था, हो चुके हैं 15 मिनट, अब चल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, मुझे बोलने में दिक्कत है, आपको सुनने में दिक्कत होगी। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, मुबारकबाद, शुभकामनाएं जिनका हुआ है सिलेक्शन और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, 5 सितंबर तक उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी आपको मैंने डेट बताई है, किसी की 5 सितंबर, कुछ की तो 2 सितंबर यानी कि आज ही है, शाम 5 बजे तक। यदि आप लास्ट डेट को एडमिशन नहीं लेंगे तो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको मिल जाएगा एडमिशन, आपका सिलेक्शन होने के बावजूद 1 साल को जाएगा बर्बाद। नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो ना हो कुछ कह नहीं सकते, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है देश में, अलग अलग कोर्सेज में हो सकता है जामिया का नंबर नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म लग जाएगा, जामिया, जेएनयू, ड्यू, सभी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी का नंबर लग जाएगा। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है मुबारकबाद, सही समय पर सही डॉक्यूमेंट को जमा करके एडमिशन ले लीजिए। और ये मत चूज करिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करें, जामिया में हो गया, किसी का जेएनयू में हो गया, किसी का बीएचयू में हो गया, जहां लेना है ठोक के गाड़ दीजिए ढंडा, ले लीजिए एडमिशन, उसके बाद चूज करिएगा यूनिवर्सिटी सही है, कोर्स सही है कि आप सही हैं, लेकिन आपने मेहनत की है एंट्रेंस में, इंटरव्यू में, तो ले लीजिए एडमिशन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सवाल, कोई समस्या आपकी तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, चाहे तो अपना फोन नंबर भी छोड़ सकते हैं, यदि आप मुझसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। मिलता हूं आपसे, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जो करना है भैया भाई लोगों आप लोग कर दीजिएगा, बड़े समझदार हैं आप सभी, रिसर्च स्कॉलर हैं और हर व्यक्ति इस देश में रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है। रिसर्च के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है, आपका रिसर्च का थिंकिंग, रिसर्च का क्रिटिकल सोच होना बेहद जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।